हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो क्विक एनर्जी चेक है, यानी कि ये बहुत शॉर्ट वीडियो होती है। आज मैंने इसमें टॉपिक लिया है कि उनके दिल की आवाज़ आपके लिए क्या कह रही है, यानी कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या आवाज़ आ रही है उनके दिल से, ये हम सुनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं एक मैसेंजर बन के उनके दिल की आवाज़ आप तक पहुँचाने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने डिसाइड किया है कि कुछ पहले मैसेजेस ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इवन ये बहुत शॉर्ट वीडियो होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी 5 मैसेजेस लेने की। ओके गाइज, तो आपके लिए 5 मैसेज जो भी मेरे हाथ आएगा। ठीक है, 1, 2, 3, आई डोंट नो कौन सा लूं, 4, 5। ठीक है, देखते हैं कि 5 मैसेज आप उनके दिल की आवाज़ से क्या निकल रहा है। ठीक है, उनके दिल के आज इन 5 मैसेजेस में क्या होने वाली है वो हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रस्ट मी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों में ट्रस्ट इश्यूज़ है। ठीक है, दूसरा है स्टार्ट स्माइलिंग, कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पास। ठीक है, तेरी बातों में भी नशा है, तो आप जब बात करते हैं तो उनको नशा सा आता है। जस्ट से यस, जस्ट से यस वंस, एक बार आप हाँ कहिए या आपके लिए कुछ भी कर दें, तुम सबसे अलग हो। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपको कहना चाहते हैं अभी इस वक्त। ठीक है, अब हम उनके दिल की आवाज़ सुन लेते हैं। ठीक है, दिल की आवाज़ यही कह रही है कि एक बार आप हाँ कहिए, ये आपके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं टैरो से क्या आता है। तो सबसे बड़ी बात मुझे इनके दिल की यही लग रही है कि आज ये कहना चाहते हैं कि इन पर ट्रस्ट रखिए। अगर ये आपसे दूर हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी परवाह नहीं है, बिल्कुल वैल्यू है आपकी, परवाह है इनको। ठीक है, इनकी दिल की आवाज़ आपके लिए क्या कह रही है। चलिए यूनिवर्स बताइए हमें इनकी दिल की आवाज़ क्या कह रही है आज। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके दिल की आवाज़। ओके, 2 कार्ड आए हैं हमारे पास। वाओ गाइस, देखिए सबसे पहले हाई प्रिस्टेस है हमारे पास, फिर सन है। ठीक है, सन की ऊर्जा का एहसास जब होता है, जब बहुत कुछ खुशी आने वाली होती है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। ठीक है, ओके, उनकी दिल की आवाज़। एस ऑफ कप्स है हमारे पास। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्स है और नाइट ऑफ वॉन्स है हमारे पास। 2 कार्ड्स और चाहिए हमें, दिल की आवाज़ क्या कह रही है, उनकी दिल की आवाज़ क्या कह रही है। 2 कार्ड्स, ओनली यूस। ओके, हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो 2 की जगह 3 है। ओके, ऑल राइट, हम 3 ले लेंगे। ठीक है, 4 हैं एक्चुअली। अब मैं क्या करूँगा, इस मुझे लेने ही पड़ेंगे। 3 ऑफ वॉन्स है हमारे पास, 3 ऑफ कप्स है हमारे पास। 3-3 की एनर्जी देखिए बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स हैं और एस ऑफ वॉन्स हैं, और बॉटम में हमारे पास देखिए कौन सा कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्स। देखिए मैं जब भी देखिए 6-6 नंबर आए हैं हमारे पास 2 बार। ठीक है, 3 नंबर हमारे पास आया 2 बार, 1 नंबर आया 3 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। ये देखिए कार्ड 6 ऑफ वॉन्स, देखिए 6 और 6 6 6 विक्ट्री का साइन होता है। मेरे चैनल में भी 666 आता है। ठीक है, तो 666 यानी कि बहुत कुछ विक्टोरियस होने वाला है आपके। अब बात कर लेते हैं, देखिए जिस रीडिंग में सन का कार्ड आ जाता है वहाँ खुशी आती है। तो मुझे लगता है कि इनके दिल की आवाज़ क्या कह रही है। सबसे पहले कुछ खास बातें कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे किसी का बर्थ लगता है कि फरवरी में है, किसी का जनवरी में। ठीक है, किसी का मार्च में लग रहा है और किसी का जून में लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा इनका या आपका साइन हो सकता है पाइसिस लियो। ठीक है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा एरीज लियो सेजिटेरियस, यानी कि वाटर और फायर एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो ये रीडिंग मैच होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। तो चलिए इनकी दिल की आवाज़ क्या करे। तो मुझे सॉन्ग क्लिक हो रहा है, दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे न जा, तेरी नजरों की तरफ देख जमाने पे न जा।
दिल की आवाज़ भी सुन। तो गाइज़ यहाँ पे ये सॉन्ग आपको सुनना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मैसेज आया है कि ये सॉन्ग आपको सुनना है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। इसमें जो भी आएगा, जो भी वर्ड्स हैं इसके, वो आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है। सबसे पहले इनकी दिल की आवाज़ क्या कह रही है कि आप इनके लिए मतलब एक ऐसे पर्सन है। देखिए आपकी एनर्जी आई है फाइव हाई प्रिस्टेस की, ठीक है। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है। आप इंटेलिजेंट है, आप किसी चीज़ को भी कर सकते हैं। इनको लगता है कि आप जैसा मतलब पर्सन इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कभी नहीं आया। मतलब यहाँ पे देखिए फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इसके नीचे है। ये हमेशा आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हैं और ये उन लोगों को मतलब बताना नहीं चाहते आपके बारे में, ऐसा मुझे लगता है। आपको सीक्रेट रखना चाहते हैं ये जो भी पार्टनर हैं आपके। इनकी दिल की आवाज़ कहती है कि कुछ ड्रामा हो जाएगा अगर इनके बारे में बताया गया, ठीक है। आपके बारे में किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपका जो अफेयर वो एक सीक्रेट है आपके लिए। आप इनके लिए एक सीक्रेट वूमेन या सीक्रेट मैन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सन और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्स, ये दोनों चीज़ें क्या कहती है। देखिए नाइट ऑफ वॉन्स एक इन एंड आउट एनर्जी को बताता है, ऐसे इंसान को जो कि फ्लर्टी है लेकिन उसके पास क्या है, सन कार्ड है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर शुरुआत में बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने वाले थे, आपसे इन एंड आउट होते थे, लेकिन अब ये आपके लिए बहुत सीरियस है। मुझे इनकी आवाज़, दिल की आवाज़ यही कह रही है कि आप मेरी सच्ची प्रायोरिटी है, आप मेरी सच्ची खुशी हैं, आपको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे जीवन में मुझे कुछ भी आपके लिए त्याग या बलिदान करना पड़े, मैं सेक्रीफाइस करूंगा, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। इनकी दिल की आवाज़ कह रही है कि आपके साथ रीयूनियन होना चाहिए, आपके साथ रीबर्थ चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में एक ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, नो मैटर आप में जो भी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली इनके इरादे आपके आपके साथ कम्युनिकेट करके आपके साथ जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। इवन यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि ये अभी पक्का कमिटमेंट नहीं दे सकती, ये रेडी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हैं, आपकी क्वीन की एनर्जी आ रही है, हाई प्रिस्टेस की आ रही है, लेकिन ये अभी नाइट बने हुए हैं, ठीक है। बहुत बहुत इनको काम करना है अपने ऊपर, अपने करियर पर काम करना है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये बहुत आपको बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत इनके जो ख्वाब हैं आपके लिए बहुत सारे हैं। इनकी दिल की आवाज़ कहती है कि आपके लिए बहुत कुछ करें ना। तो मुझे यहाँ पे गिफ्ट तो दिख ही रही है, बल्कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि आपको जीवन भर याद रहे, ठीक है। और यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्स का कार्ड है, ये किसी चीज़ का वेट करते नज़र आ रहे हैं। या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो आपसे मिलने का वेट, ठीक है, या फिर आपसे कम्युनिकेट करने का वेट। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इनके इनके आपके बीच में जो लोग हैं उनके कारण है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आप में क्रिएट होती है, आप दोनों में नहीं होती, बल्कि आपके बीच में जो लोग हैं उनके कारण होती है। तो इनके दिल की आवाज़ आज ये कह रही है कि इनको समझिए। सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास ट्रस्ट का है, तो इन पर ट्रस्ट रखिए। जो कर रहे हैं ये या जो एक्शन नहीं लेते या फिर इन एंड आउट होते हैं, तो इसकी वजह आपको पता है, उस वजह पर इन पर ट्रस्ट कीजिए, उस वजह पर डाउट मत कीजिए, ठीक है। डाउटफुल एनर्जी मत रखिए इनके प्रति, क्योंकि ये आपको सन ऊर्जा की तरह, आप इनकी ट्यूबलाइट हैं या बल्ब भी हो सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ट्यूबलाइट यानी कि फीमेल, बल्ब यानी कि मेल, ठीक है। तो आप इनकी ट्यूबलाइट और बल्ब हो सकते हैं, लेकिन ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। इवन इनकी इच्छा ये होती है कि आपके लिए ज़मीन आसमां एक कर दें, ठीक है। और यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्स मुझे ये कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं, ये चाहते हैं एक नई शुरुआत ऐसी हो जिसके कारण ये मतलब इतनी खुशियाँ हो, इतने मज़े करें आपसे, और डेफिनेटली आपका साथ बहुत प्यारा है इनको, ठीक है। डेफिनेटली ये बहुत चाहते हैं कि आपसे एक नई शुरुआत हो। देखिए यहाँ पे दो दो एसेस का कार्ड है, यहाँ पे दो एसेस यानी कि इनको फीलिंग से भी आप सेटिस्फाई करते हैं और आपसे पैशनेट तो हैं। ये नाइट ऑफ वॉन्स किसी से ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, ठीक है, किसी से। तो मुझे आपके प्रति आपकी आपकी ऊर्जा क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्स, आप बहुत ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और आपके जैसा या आप इनकी तरह एक जैसे कोई हीरोइन है या कोई हीरो है उसकी तरह आप इनको लगते हैं, और डेफिनेटली ये आपसे एक बहुत पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। इनकी दिल की आवाज़ यही कह रही है कि अब दूर नहीं रह जाता, आपसे मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, और मुझे इनके कार्ड में इंटीमेसी दिख रही है आपसे। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे सारे कार्ड इतने पॉजिटिव हैं कि मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलती, बस ये आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं और बहुत ढेर सारा प्यार आपको देना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग में क्या देखा है मैंने, इनकी दिल की आवाज़ कह रही है कि दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे न जा,
तेरी नजरों की तरफ देख जमाने पे न जा। गाइज मेरी आवाज़ मत देखिए, आप ये सॉन्ग सुनिएगा, मुझे बार बार ये क्लिक हो रहा है सॉन्ग, ठीक है। सुबह भी मैंने शायद यही वाला सॉन्ग गाया था, और आज देखिए इनके दिल की आवाज़ वाली जो रीडिंग है आपके लिए स्पेशल है। जिनके भी साथ आज ये रीडिंग मिलती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए यार। ऐसी वाली जो फीलिंग्स हैं कोई नहीं बताएगा। और आपको डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर कनेक्ट कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो अमाउंट दिख रहा है ना गाइज, उसमें फुल रीडिंग करती हूँ मैं, एक या दो क्वेश्चन नहीं करती हूँ। और मेरी जो वीडियोज़ होती है इसी तरह की आपके सामने शफल करके आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में भेजती हूँ, ठीक है, आपके व्हाट्सअप नंबर पर। तो इस तरह की मेरी पर्सनल रीडिंग होती है, और फीडबैक माने ना माने बहुत अच्छे आ रहे हैं मुझे। तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आप अगर विदेश से हैं तो भी बहुत अफोर्डेबल चार्जेस हैं, चेक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज। गुड नाइट।